वेस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हो रहा है, डेट कितनी है, आज 29 29 है आज, और टाइम हो रहा है सुबह के 9। सॉरी डेट भूल जाता हूँ बिकॉज थोड़ा सा दिमाग से नहीं चल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे पापा की तबीयत अभी परसों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मतलब कुछ डॉक्टर्स को जो दिखाया उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि पूरा घर भर परेशान हो गया। मतलब घर में हर कोई, मतलब कोई कहीं छुप के हो रहा, कोई कहीं छुप के हो रहा, कोई कहीं छुप के हो रहा है। हुआ ये कि मेरे पापा एक्चुअली वॉशरूम टॉयलेट में गिर गए थे, और 50 मिनट तक वहीं पर गिरे पड़े हुए थे। तो जब हम लोगों ने देखा उनको उठा के बाहर किया, तो लगा कि ऐसे कुछ बीपी का होगा सॉरी। फिर हमारे एक फैमिली डॉक्टर उनको बुला के लेकर आए, तो उन्होंने बोला कि ये हेमरेज है और पैरालिसिस का अटैक है। तो बस ये सुनना सुनना था, तो सारे लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, ये चीज़ मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो हो गई थी। एनीवे फिर शाम को, सेम डे शाम को पापा को हम लोगों ने सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में फिलहाल ऊपर वाले के शुक्र है, आप लोग की दुआ थी कि ऐसे कुछ नहीं आया, ना ही हेमरेज आया, ना ही पैरालिसिस का अटैक कुछ आया है। उसमें ये आया कि हाँ हार्ट की प्रॉब्लम है। फिर वो रिपोर्ट के लेके हमारे यहाँ हमारी सिटी में एक हैं हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वी एस उपाध्याय, उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि हार्ट की थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, पर उसके साथ साथ पापा को डेंगू का थोड़ा सा इफेक्ट है। तो फिलहाल अभी ज़्यादा मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं, पापा अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग के साथ हैं और हमेशा साथ बना रहे। अल्लाह करे हमारे माँ बाप का, सबके माँ बाप का, सबके ऊपर साया बना रहे। तो यही है फिलहाल, 2-3 दिन उसी में सब लोग लगे हुए थे। अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक हुई है और अभी मैं जा रहा हूँ। अब आप कहाँ आ गई हैं, चाय बनाने? हाँ चाय बना दीजिए। क्या चीज़, क्या कह रही हैं आप? हाँ उबाल दीजिए, दो बॉयल कर दीजिए और चाय बना दीजिए मेरे लिए, तब तक हम अपना ब्लॉग बनाते रहें। निकल लीजिए जल्दी से अब। सो भाभी आए थे पूछने के लिए चाय के साथ, मतलब एक भी बॉयल कर, मैंने कहा कर दीजिए। तो यही था, पापा फिलहाल अभी ठीक है। मैं 2 दिन से पापा के साथ ही सो रहा हूँ, ताकि मतलब अभी उठने में पापा को दिक्कत होती है उठने में। अभी क्या, पापा थोड़ा सा उठ नहीं पाते हैं, अब उनको मतलब गठिए की प्रॉब्लम है, तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं उनके साथ 2 दिन सो रहा हूँ अभी, जब तक हूँ तब तक तो उन्हीं के साथ सोऊंगा, ताकि उनको कुछ रात में ज़रूरत हो तो मैं पापा को मदद कर सकूँ। तो फिलहाल सीन ये है कि आज कुछ ऐसे ही है, मतलब नज़र है उसमें, कुछ गेस्ट आएंगे और इसलिए घर थोड़ा साफ, घर तो साफ हमेशा रहता है, बट थोड़ा सा भैया ने कर्टन वर्टन सब चेंज कर दिया है, ये सब चीज़ें। और जैनब जो है अभी अभी इनकी सुबह नहीं हुई है, बिकॉज आज संडे भी है और इनकी कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलने वाली, तो ये सोए पड़ी हैं। तो फिलहाल यही सीन है, और ये रही मेरी गाड़ी की चाबी। बस चाय और अंडा खाने के बाद पी के, मतलब अंडा चाय खा के, नहीं चाय पी के और अंडा खा के मैं जाऊँगा नीचे, गाड़ी साफ़ करूँगा। मुझे एटलीस्ट 2 घंटे तो लग ही जाएगा। फिर आज मैं गाड़ी निकालूंगा बाहर, फ्यूल डलवाऊंगा, फ्यूल डलवाने के बाद एयर प्रेशर चेक करूंगा, और गाड़ी में जो थोड़ा बहुत कुछ काम होगा तो वो भी करवाऊंगा, बिकॉज मुझे परसों निकलना है यहाँ से दिल्ली के लिए वापस। और क्योंकि इसके बाद फर्स्ट से मुझे अपनी नई कंपनी ज्वाइन करनी है, जो मेरी पहले प्रीवियस कंपनी थी उसमें मैं वापस आ रहा हूँ। तो यही सीन है, चलिए देखते हैं भाभी फिलहाल कर क्या रही हैं, फिलहाल कल क्या नहीं कर क्या रही हैं। आज ही चाय बना के दे देंगी ना, आज ही चाय बन जाएगी, नहीं कल बनेगी। इतना अंडा क्यों उबाल रही है? अच्छा एक करी बनेगी, और ये मेरी चाचा है, और ये हमारे एक काम वाली देखिए, ये प्लेट व्लेट आके रख दिया है उन्होंने, डिस्पोजल स्पून प्लेट एंड ग्लास। तो अभी सारी तैयारी हो चुकी है और अब होने जा रही घर पे नजरें, मैं दिखाता हूँ। ये सारे लोग हैं देखिए, सारे लोग बैठे हैं। ये तुम लोग लाइन से क्यों बैठी हो ऐसे? तो अभी नजर हो जाएगी, नजर के बाद फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो सिलसिला होगा खाने पीने का गेस्ट का, वो खाएंगे। और सो गई, और
या तुम्हें क्या चाहिए? तो खाना पीना हो गया है, अब यहाँ पे बन रहा है क्या खाना? काम वाली बनानी है। हाँ ये देखिए, ये माता श्री हैं, सब इंतजाम कर रही हैं। चलिए फिलहाल मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि नीचे जेंट्स का है, चलते हैं। आइए मुन्ना भाई। मुन्ना भाई भी आ गए। लोग आ रहे हैं कंटिन्यू, पीछे चेयर देखे लगी है। मैं चल रहा एक बार इधर पापा को देख लूँ, पापा का हालचाल बहुत देर से नहीं लिया मैंने। फाइनली मैं अब आपके ऊपर बैठा हूँ। मैंने बाद में बोला चाय बनाने के लिए, मैं कब चाय पीऊँ, को थोड़ा सर भारी हो रहा है, चाय पी के फिर मैं नीचे जाऊँगा। मम्मी उधर लेटी हुई हैं, ये आई हैं मेरी, ये एक्चुअली मेरी लगती हैं पोती लगती हैं। ए क्या कर रहे हो तुम? एनीवेज टाइम हो रहा है 6:15 और अब लोगों का आना कम हुआ है। अब लोग मतलब नहीं आ रहा, अभी बस एक गेस्ट बैठे हुए ऊपर हैं, बाकी सब रैप अप देखिए हो चुका है, चेयर बेसी हो चुकी है। और मैं आपको अंदर के सीन में देखिए, ये दो बंदे थके हुए लेटे हुए काम कर करके रेस्ट फरमा रहे हैं। तो मतलब इनको बुरा लग रहा है कि ये स्टार, एक्चुअली ये वाकई में स्टार है। ये किस तरह किसे बनाते हो? मौज पे और चंगा, चंगा पे। तो इसका भी काफ़ी मतलब ये बनाते चंगा पे, मौज पे और पता नहीं किस पे किस पे। तो इनका मतलब 7 मिलियन 8 मिलियन के लाइक्स उसमें पड़े हुए हैं। अगर किसी को नहीं यकीन है तो आप नाम क्या है, किस नाम तुम्हारा चंगा होगा पे? भाईजान राधे प्रेम। किस पे भाईजान है, किस पे राधे है, किस पे प्रेम है? अलग अलग आईडी सब पे। अच्छा, तो फिलहाल इनके अलग अलग हर उस पर उन्होंने सोशल उस पर अलग अलग नाम से बनाया हुआ है, जिसपे इनका 7 मिलियन 8 मिलियन 5 मिलियन 4 मिलियन लाइक्स आते हैं, क्योंकि अच्छी एक्टिंग कर लेता है भाई अपना। बस खुश, प्रमोशन कर दिया फ्री में, बड़ा खुश हो रहा है। तो अभी हम और शहनशाह, ये शहनशाह साहब गाड़ी चला रहे हैं, कुछ सामान लेने निकले थे, सामान लेके अब वापस जा रहे हैं घर। इनको देखो भाई साहब, मतलब साइड से आके बिल्कुल सामने आ गए, इतनी जल्दी है भाई साहब को। और ये देखिए, ये आ गए हम शाही पुल, जो मैंने अपने बहुत पुराने ब्लॉग में आकर बनाया हुआ था। ये शाही पुल कम से कम 400-500 साल पुराना है। 400-500 साल पुराना पुल है। इसे किसने बनवाया था, इसकी भी जानकारी बता दी शहनशाह साहब? शेरशाह सूरी साहब ने बनवाया था। अच्छा, तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सामान लेना है, सामान लेने के बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे घर वापस। फिर थोड़ा बहुत काम घर पे आज, और कुछ अभी गेस्ट जो आने वाले बच्चे हैं रात में, उनको खिला पिला के फिर आराम से थके मांदे सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग, और पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरा 2-3 ब्लॉग ऐसा हो रहा है कि मैं आज शुरू कर रहा हूँ तो वो ब्लॉग नेक्स्ट डे ख़त्म हो रहा है। आज फिर वही हुआ जो कल मैंने ब्लॉग बनाया था, तो वो कल मैं फिनिश नहीं कर सका, बिकॉज कल कह रहा हूँ, कल घर में पूजा थी, उसके बाद टायर्ड था, तो सारे गेस्ट जब जाने के चले गए, उसके बाद सामान मलटाने के बाद फिर मैं थका मंदा सो गया। अभी के सीन ये है कि सुबह उठाऊँ, भाभी के किचन की हाल है, अभी भाभी सो रही हैं और मैंने एक बॉयल कर दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको भाभी लोगों को, वो देखिए। तो वो लोग टायर्ड है काफ़ी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, उन लोगों ने कहना जैनब ने नहीं, एक्चुअली भाभी ने, जैनब क्या मेहनत करेगी, तो छोटी बच्ची है। तो वही है अभी वो सो रहे, मैंने सोचा उनको क्या डिस्टर्ब करूँ, तो मैं खुद ही बॉयल कर लेता हूँ। चाय मैंने वहाँ पे पी ली है सामने वाले घर में अपने, अंडा यहाँ पे खा लेता हूँ, इसके बाद जाऊँगा शॉप के पास, बाद फिर लंच टाइम आऊँ तो फिर कुछ खा लूँगा। एनीवे अब मैं इस ब्लॉग को आज यहीं फिनिश करता हूँ, एंड आई एम सॉरी कि ये ब्लॉग मेरा मतलब मेरा 2-3 ब्लॉग सेम डे फिनिश नहीं हो रहा, मैं कोशिश करूँगा कि सेम डे फिनिश हो जाए। वेल, अगर आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलता है अपने न्यू ब्लॉग में, टिल देन लव यू।